एक साल से कोरोना के चलते बंद रहे स्कूल और कॉलेज आखिरकार खुल ही गए। पहले तो सरकार ने स्कूलों का 18 जनवरी से खोलने का निर्णय लिया, तो वहीं अब 8 फरवरी से कॉलेज भी खोल दिए गए। बता दें, राज्य के वल्लभ कॉलेज मंडी लगभग एक वर्ष के बाद विद्यार्थियों के लिए सरकार के दिशा निर्देशों का पालन करते हुए खोल दिया गया। कॉलेज खुलने के पहले दिन ही कॉलेज में काफी संख्या में विद्यार्थियों की भीड़ देखने को मिली। हालांकि कॉलेज प्रशासन ने गेट पर ही विद्यार्थियों को हाथ सैनिटाइज, मास्क और थर्मल स्कैनिंग करवाकर प्रवेश करने दिया। वहीं कॉलेज प्रिंसिपल राकेश शर्मा ने बताया कि कॉलेज खुलते ही पहले दिन कॉलेज में काफी संख्या में विद्यार्थी पहुंच रही है। हालांकि व्हाट्सएप पर मैसेज के माध्यम से विद्यार्थियों को सूचित कर दिया गया था कि कौन सी कक्षा के विद्यार्थियों को किस दिन कॉलेज आना है। उन्होंने कहा, बीए की संख्या अधिक होने के कारण फर्स्ट ईयर के छात्र छात्राओं को सोमवार, मंगलवार और दूसरे वर्ष की छात्र छात्राओं को बुधवार और वीरवार को, बीए फाइनल कक्षा के छात्र छात्राओं को शुक्रवार और शनिवार को बुलाया गया है। साथ ही बताया कि बीएससी प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों को सुबह 10 से 12:30 बजे तक कक्षा लगाएंगे और उसके बाद द्वितीय और तृतीय वर्ष के छात्र छात्राओं की कक्षा लगाई जाएगी। उन्होंने कहा कि एमए की कक्षा पूरे हफ्ते चलेगी, उसके लिए कमरों को सैनिटाइज करवाकर उचित व्यवस्था कर दी गई है। आज वल्लभ गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज में सुचारू रूप से कक्षाएं शुरू कर दी गई हैं। हमने जो सरकार की ओर से हमें दिशा निर्देश प्राप्त हुए थे, उसके अकॉर्डिंगली एसओपी का पूरा ध्यान रखते हुए क्लासेस को कंडक्ट करने का काम शुरू किया हुआ है। आप देख सकते हैं कि हमने सैनिटाइजेशन और मास्क वगैरह के लिए बच्चों को बार बार आगाह किया हुआ है। एक पब्लिक एड्रेस सिस्टम हमने लगा रखा हुआ है और बच्चों को हम पब्लिक एड्रेस सिस्टम से उनको दिशा निर्देश दे रहे हैं। मैं अगर बात करूं टाइम टेबल से रिलेटेड, क्योंकि महाविद्यालय एक बहुत बड़ा है और यहाँ पे अराउंड अबाउट 6000 के आसपास बच्चे पढ़ते हैं, तो सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखते हुए हमने कुछ डिस्ट्रीब्यूशन कर रखी है। जानकारी के अनुसार पहले दिन विद्यार्थियों को समझाया जा रहा है कि वह बिना किसी कारण कॉलेज में ना प्रवेश करें। साथ ही अगर किसी चीज़ में कोई दिक्कत आती है तो वह अपनी कक्षा के प्रोफेसर से अधिक जानकारी प्राप्त कर सकती है।